मंदी मंदी पड़त फुहार।
शीतल पवन सुखदाई, कभी शीतल पवन, कभी शीतल पवन सुखदाई, कभी शीतल पवन चहुं ओर हरियाली छाई, चहुं ओर हरियाली छाई, I'm gonna make you mine.
Oh,
त्रिपातमहं वन्दे श्रीगुरुं
कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सत्सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव परम्। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री पवित्र आरोपणी एकादशी उपवास की जय। श्री राधा गोविंद जी के झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। हमारे गौड़ीय परंपरा में, निम्बार्क परंपरा में विशेष रूप से झूले का महत्व, झूला पूरे ब्रज में, वैसे तो हरियाली तीज के बाद से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये 5 दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग एकादशी से पूर्णिमा रक्षाबंधन तक विशेष रूप से झूले में ठाकुर जी को निवेदन करते हैं विराजमान होने के लिए। वो आते हैं और ठाकुर जी झूले में विराजमान होकर भक्तों का आनंद लेते हैं। मुझे याद है हम लोग गोकुल में थे तो गोकुल मावन में झूला राधा गोविंद जी का होता है, कोई तो देखते हैं लोग। तो वहाँ पर राधा गोविंद जी का हम लोग झूलन जो करते हैं, क्योंकि बाल्य लीला स्थल ही है गोकुल महावन धाम, इसलिए वहाँ जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी झूले में अकेले विराजते हैं, लेकिन राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा वहाँ नहीं होती। तो मैंने गुरु महाराज जी से पूछा वृंदावन में कि गुरु महाराज जी, हम लोग क्या वहाँ झूलन यात्रा नहीं कर सकते? मुझे कहते कर सकते हैं, लेकिन वो बाल्य लीला स्थान है, तो इसलिए जो स्थान है उस स्थान का भाव जो है, उस स्थान का जो महत्व है, उस स्थान का जो रस है, उसको उसमें मतलब कहने का मतलब ये था, मैं शब्द पूरे याद नहीं कर पाऊँ, उसको उसी भाव में, उसी रस में, उसी दृष्टि से जब देखेंगे तभी हमको उस धाम की, उस स्थान की महिमा का पता लगेगा। ठीक है, वहाँ तो हुआ सो हुआ। दिल्ली में हमारे तब पटचित्र थे राधा गांधर्व का गिरधारी, मूल चैतन्य मठ के जो विग्रह वो थे, वो पटचित्र बड़े बड़े थे। उनका हम लोगों ने झूलन नहीं किया। जब झूलन नहीं किया, गुरु जी झूला यात्रा वहाँ समाप्त हुई अपना वृंदावन में, तो दिल्ली से आगे जाएंगे, तो उसके लिए गुरु महाराज जी दिल्ली पहुँचे। हमसे पूछते तुम लोग झूलन किया? मैं कह नहीं महाराज जी, हमने तो किया नहीं, हमारा तो अधिकार नहीं, मेरे मुंह से ऐसे अनायास निकल गया अधिकार। तब तो गुरु महाराज जी ने राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा के बारे में बड़ा विशेष रूप से विस्तार से कहा, और वो विशेष और विस्तार इतना इतना सुंदर था कि वहाँ पे एक बिल्कुल नया व्यक्ति, जिसको कि गोपी क्या होती है, गोपियों का प्रेम क्या होता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं, उस व्यक्ति को क्रम से सब कुछ मालूम। मैंने उसको पूछा, राजू बोल करके एक लड़का है, मनियारी की दुकान है उसकी वहीं पे कसेरू वाले में, तेरे को कुछ समझ आया? कहते हाँ समझ आया, मैं तो पहली बार आया कथा में, हमारे यहाँ तो कितनी बार बैठे रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्या समझ में आया, चल बता। उसने क्रम से बतलाया,
और जो गुरु जी ने सिस्टम से समझाया था अति अद्भुत था, जिसके कारण उसके दिलो दिमाग में बैठ गया। गुरु कहते हैं देखना होगा कि राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा कौन कर रहा है, कौन? राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा में नंद यशोदा भी नहीं प्रवेश करते, सखा लोग भी प्रवेश नहीं करते, दास्य रस और शांत रस के भक्त भी प्रवेश नहीं करते। हम कहाँ पे है उस हमें देखना होगा, हम कहाँ पे है, कौन सा स्तर में है, उसको विचार करना। तब गुरु महाराज जी ने वो प्रसंग है ना बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का प्रसंग, वो पूरा गुरु जी ने डिटेल से समझाया कि गोप कुमार वो कैसा है, कहाँ गया, देवी स्थान देवताओं के स्थान, उसके ऊपर एक भक्ति के बारे में गुरु जी ने स्तर से समझाया। गुरु जी पूछे क्या तुम ध्रुव जी जैसा भजन किया? मैंने इच्छा तो है। क्या प्रहलाद का माफी क्या भगवान का प्रीति प्राप्त किया? भगवान ने संदेहन किया? फिर उसके बाद गुरु जी हनुमान जी के बारे में बोलने, हनुमान जी का माफिक, हनुमान जी की जो भक्ति है, हनुमान जी की जो सेवा है, भगवान राम को उठा ले, भगवान राम की द्वित्य प्रति सेवा करते, उनके चरण दबाते, क्या ऐसा सेवा मिला? फिर उसके बाद में अर्जुन की बात, सखा अर्जुन कैसा है, अर्जुन को कितना अधिकार, भगवान को सारथी बना दिया, क्या तुम्हारा कृष्ण सारथी हुआ? ऐसे करते 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 गुरु महाराज जी एकदम क्रम से, इसको कल या परसों विस्तार से सुनेंगे, आज तो थोड़ा सिर्फ स्पर्श कर रहा हूँ, क्रम से धीरे 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 वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन की महिमा उद्धव जी के द्वारा जो गाई गई है उसके बारे में बोला कि जो भगवान जैसा सारूप्य प्राप्त कर लिया वो भी वृंदावन के ब्रज कण की अभिलाषा करते हैं, वो शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर मधुर भाव, मधुर में भी फिर विशेष मंजरी, उनका अधिकार है। हम लोग जो ये राधा गोविंद झूला करते हैं, हमारा किसी का अधिकार है श्री राधा रानी को स्पर्श करने का, गोविंद जी को स्पर्श करने का? फिर गुरु जी ने क्वेश्चन किया क्यों हम लोग करते हैं, हमारा गुरु वर्गों ने क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि इससे हमको भगवान के लीला में लोभ हो जाए, लोभ के लिए, कि लीला में भगवान की सेवा में लोभ उत्पन्न। ऐसे करके गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से इस बात को समझाया कि राधा गोविंद जी की विशेष झूलन यात्रा जो है, जो कि बिल्कुल एकांतिक में भी मधुर में भी एकदम सर्वश्रेष्ठ उस भाव में भावित होकर के जो भक्त हैं उनका ही अधिकार है, हम लोगों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। कई लोग इसी बात का गुरु जी की चर्चा करते हैं, कहते उनका नहीं है तो क्या है, महाराज ने तो अपने मुख से बोल दिया उनका नहीं है। गुरु जी के बारे में महाराज ने तो अपने मुख से बोल दिया उनका नहीं है, तो भाई ठीक है उनका नहीं है, हमारे गुरु जी ने हमको दिया अधिकार, गुरु देते हैं अधिकार,
इस प्रकार से बोलने वाले बड़े 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 जो उस वक्त के वक्ता थे उन्होंने इस प्रकार से बोला, उसके ऊपर बहुत सी बातें हुई। मूलतः जो मैंने देखा, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, राधा गोविंद जी की रासलीला की चर्चा करने वाले, और जो अनाधिकार की उसकी चर्चा करने वाले, वर्तमान में 99% लोग इस मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं, इस मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए अनाधिकार चेष्टा नहीं होती हम लोगों को, फिर हम लोग क्यों झूला झूला रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कि गुरुदेव के आराध्य देव और गुरु महाराज जी झूला जो है झूला रहे हैं, हम तो केवल उनके पीछे पीछे सहायता कर रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम ठाकुर जी को झूला झूलाएं, लेकिन ब्रजमंडल में गुरु महाराज जी का, ये दिल्ली की बात थी जब गुरु जी ने एक कथा दी, ब्रजमंडल में गुरु जी का एक अलग भाव देखा भी है, अलग एक भाव देखा कि यहाँ पर जब मैं गोकुल महावन में था, तब आपको शायद याद होगा कि ब्रजवासी लोग आते थे, कुछ कीर्तन करते थे हारमोनियम बजा बजा कर। हालांकि गौरी मठ में हारमोनियम बजाना मना है, लेकिन अपने गोकुल महावन मठ में हारमोनियम हुआ करता था, उसको बजा बजा के वो लोग कीर्तन करते थे। गुरु जी उस कीर्तन को बहुत आनंद से सुनते थे। झूलन के समय में गुरु जी ने खबर भेजा, क्या वो आएगा? नहीं, ब्रजवासी लोग आ सकता है? जी जरूर आ सकते हैं, चलो भाई। तो हम लोग एक टम्पू भर के, तो टम्पू होता था इसको गणेश बोलते थे, आगे से लंबा सा पीछे से पंजाबी पूंड कहते हैं, और लंबा सा गणेश टेम्पू हमारे यहाँ पे, वो कई बार आगे का हिस्सा आगे ही रह जाता है, अलग ही हो जाता है ऐसा। उसके ऊपर चढ़ कर के हम लोग 15-20 लोग आ गए, ऐसे ही वही हारमोनियम और ढोलक ये सब ले लेकर, माइक लगा हुआ था क्योंकि उस वक्त उत्सव चल रहा था। अपने कमरे में थे, वही कमरा था, लेकिन उस वक्त वो कमरा बना नहीं था, वो अभी बना हुआ है ऐसा नहीं था, वहाँ एक बगीचा हुआ करता था, आपको ध्यान होगा। तो बस हम लोगों ने शुरू किया कीर्तन हुआ, तो गुरु जी कहते वो लोग आ गया, हाँ जी महाराज जी सब, हाँ अभी आता है। तो गुरु जी भी बहुत चलित जो कीर्तन है, राधे तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल गया, एक ब्रजवासी ने गाया, और गुरुजी जैसे पता नहीं किस, उनके भावों को तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन एक ऐसे दिव्य भाव में चले गए। गुरुजी के आंसुओं से, आंखों से लगातार आंसू बहने लगे लगातार, और ऐसे जैसे कि वो ताली बजा रहे हैं और आंखें ऊपर हो रखी हैं। इतने में ना पूरी महाराज जी ने हारमोनियम की आवाज़ सुनी, ढोलक की आवाज़ सुनी, वो तो गुस्से में, मैंने कहा उधर देखो ऐसे क्या उछाला उधर देखो, तो गुरु जी को देखा, गुरु जी की आँख, गुरु जी ने आँखें खोली कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से, तो गुरु जी की आँखें देख, गुरु जी रो रहे हैं चुपचाप, महाराज जी निकल गए कि भाई मूड़ी अलग है गुरु जी। तो गुरु जी को ये भी देखा कि ब्रज में गुरु महाराज जी का एक अलग वो रहा कि ब्रज रज का एक महिमा है, ब्रज धाम की एक महिमा है, धाम में कुछ एक ऐसी बातें, कुछ एक ऐसा व्यवहार भगवान जी के साथ करने का धाम ही एक अधिकार दे देता है, या अधिकार ना भी दे एक मौका दे देता है। मौका और अधिकार, इसमें दोनों में अंतर है। मौके को क्या बोलेंगे? सुअवसर दे देता, एक सुअवसर दे देता है कि चलो कोई बात नहीं तुम भी करो, वो वाली बात। जैसे जगन्नाथ जी अपने रथ पे निकलते हैं तो एक सुअवसर मिलता है उनकी रस्सी को हाथ लगाने का, जैसे कोई बोले भी चल तू भी लगा दे, ऐसे ही धाम जो है यहाँ पर
भगवान जी की इस लीला में अनाधिकार जैसे हमारे जैसे लोगों को भी मौका देता है। और इसीलिए गुरु महाराज जी को भी यहाँ पर दिव्य कीर्तनों के द्वारा रोमांचित होते देखा, हंसते देखा। तो ये दिव्य धाम है, उस धाम में हम लोगों को ये भाग्य है कि हम लोग आज गोवर्धन में हैं और ठाकुर जी का ये लीला यहाँ जो है राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा, राधा गोकुलानंद जी की झूलन यात्रा चल रही है। सौभाग्य है कि हम गौड़ीय परंपरा में हैं और ये भी सौभाग्य है कि विशेष करके धाम में है। धाम ही सब कुछ कर रहा है, हम केवल उसके पात्र बन के, हम केवल उसके लिए एक दिए हुए अवसर को हम प्राप्त करके श्री राधा गोविंद जी की सेवा करने की प्रचेष्टा। इसमें एक बात और आती है, गुरु महाराज जी को जब गोकुल महावन में देखा तब एक अलग भाव से देखा, वृंदावन में देखा एक अलग भाव से देखा। हो सकता है गुरु जी के भाव को मैं डेफिनेटली मैं स्पर्श नहीं कर पाया हूँ, लेकिन भावों का जो बाहर की दृष्टि से देखने में लगा वो एक अलग तरीके से। जैसे गोकुल महावन में वहाँ पर गुरु महाराज जी योग माया मंदिर के ऊपर वहाँ गए और वहाँ जाके गुरु जी ने एक कीर्तन गाने पाए, ब्रजेंद्र नंदन यशोमतिष्ठन पाए श्री नंद नंदन है ना, इंद्र नीलमणि ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन यशोमतिष्ठन। तो उस कीर्तन को उन्होंने किया हमारे वैष्णवों ने और गुरु जी का एक अद्भुत, एक बिल्कुल ही अद्भुत रूप देखा। ये है यशोमति स्तन पाए श्री नंद नंदन इंद्र नीलमणि ब्रजे जने ब्रज जनेर जीवन श्री गोकुल निशाचरी पूतना घातन दुष्ट तृणा व्रत हंता शटक भंजन शकट भंजन नवनीत चोर ददी हरण कुशल यमल अर्जुन भंजी गोपाल गोविंद गोपाल। ये कीर्तन गुरु महाराज जी गा रहे थे, गुरु जी के साथ जो गाने वाले थे गा रहे थे और गुरु जी ऐसे रो रहे थे। क्यों रो रहे थे किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ये कीर्तन में तो एक आनंद जैसा है कि नंदनंदन स्तनपान कर रहे, लेकिन वो स्तनपान कर रहे हैं ये एक कीर्तन में है और एक दृश्य में है, दर्शन में। जब दर्शन होता है तो गदगद अपने आप ही भाव, ठाकुर जी को झूला झुलाइए, इनको ना धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता, इनको अच्छा नहीं लगता धीरे धीरे, थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा जो युवक है ना, किशोर है ना, तो एक अद्भुत भाव देखा। और वही गुरु महाराज जी जब गोवर्धन में थे एक अलग भाव, वही गुरु महाराज जी जब वृंदावन में थे एक अलग। तो ये भावों का एक ही जीवन में एक ही व्यक्ति के भीतर परिवर्तन कैसे हो सकता है। ये होता है उनका अलग अलग भावों का, ये होता है उनका जो उस भाव को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सब एक जैसे। उनके लिए तो रासलीला का भजन जो है वो नंद महाराज जी के महल में बैठ करके भी गाने वाला, उनके लिए क्या है। उनके लिए तो वहाँ आनंद भवन में बैठ करके वो भी वो गा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या गा सकते हैं, क्या क्या गाते हैं। श्री राधा जी के बरसाने के अंदर जो राधा जी का महल है, उस महल के अंदर तो जो लोग वहाँ पे ठाकुर जी की और राधा जी की रासलीला के चर्चा कर सकते हैं, उनको क्या मालूम कि धाम में, धाम का एक महत्व है, स्थान का महत्व है, उस लीला का महत्व है, उन परिकरों का महत्व है। ऐसे नहीं है नाम,
भगवान का नाम ऐसे ही नहीं है, बस कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन, कोई ऐसे नाम नहीं है। प्रत्येक नाम, नाम के पीछे गुण, उस गुण के पीछे वैसा ही रूप, उस रूप के पीछे नाम, रूप गुण लीला धाम, नाम, नाम के पीछे वैसा रूप, रूप के पीछे वैसा गुण, गुण के पीछे वैसा रूप, रूप गुण लीला, वैसी लीला, और लीला के साथ वैसा ही वो धाम का, उस स्थान का महत्व, और वैसे ही परिकर। अब हम लोग जैसे नंद नंदन कहते हैं, ठीक है, वृषभानु दुलारी बोलते हैं, आप हैरान होंगे अनन्यता की पराकाष्ठा कैसे हमारे गुरुवर्गों ने दिखलाई है। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं है कि विरोधी हैं राधा जी के, ठाकुर जी के अन्य नामों के, ना तो कहते एक ही में रहने दो, कुंज विहारी श्रीहरिदास, कुंज में विहार करने वाले श्री राधा गोविंद, उनको विरह का कुछ लेना देना नहीं। विरह क्या रस होता है मतलब ही नहीं, मतलब कहते विरह होता ही नहीं है। दोनों युगल सरकार एक दूसरे को देखते ही नित्य नित्य निरंतर कुंज में विहार करते हैं, तो वो भी एक रस है। और वास्तविकता में, मैंने एक बार बोला था, वास्तविकता में जो रसिक शब्द है वह बिल्कुल दिव्य है। रसिक शब्द मतलब रस एक इक, जिसमें रस केवल एक हो वो होता रसिक। हम लोग कैसे आजकल के रसिक कैसे, वो तो फिल्मों के गाने भी गाएंगे, कहेंगे भाई ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता, अरे तुम्हारे पास क्या सूरदास मीराबाई और जितने भी रस के रसिक भक्त हुए उनका कोई शब्द नहीं मिला कि तुम संसार के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को उठा के गोविंद जी के लिए प्रयोग करोगे, राधा जी के प्रयोग करोगे। इसका मतलब उन्हें रस का नाम पता ही नहीं। वास्तविकता में जिसे नाम का ही रस नहीं मिला, नाम में ही रुचि नहीं हुई, नाम के रस का नहीं पता, नाम में रुचि नहीं हुई। अब मेरे को बताओ क्यों मीरा के गिरधर गोपाल है नहीं है, क्यों मधु पंडित के गोपीनाथ हैं, क्यों रूप गोस्वामी के गोविंद जी, क्यों सनातन के गोपाल हैं मदन, क्यों मदन गोपाल क्यों है? क्योंकि एक एक नाम में एक एक भक्त अपने आप को खो चुका है, उन्हें पता ही नहीं अपना, क्योंकि नाम के साथ क्या है रूप वैसा ही है, रूप के साथ क्या है वैसे गुण हैं। उदाहरण के लिए यशोदा नंदन कृष्ण गोपाल गोविंद, गोपाल गोविंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद, मदन नंदन के साथ में यशोदा भी हैं, उनको आनंद देने वाले भी हैं, ऐसा ही वो रूप है। रूप यशोदा नंदन का वैसा ही है जैसा उनका नाम, और वैसा ही वो स्थान है जहां पे वो लीला कर रहे हैं, और उनके परिकर नंद महाराज जो यशोदा मैया की जो सखियां हैं वो उनके परिकर हैं। जिस प्रकार से गुरु जी को योग माया मंदिर पे बिलखते हुए रोते हुए देखा था, वो कोई विरह नहीं था, वो गदगद भाव था कि यशोदा नंदन जो है माँ यशोदा का
स्तन पान कर रहे हैं, इसमें गदगद होकर रोमांचित होकर के गुरु जी रो रहे हैं। और वही गुरुदेव थोड़ी ही देर बाद जब पहुंचते हैं नंद भवन के अंदर, वहां पर मेरे को आदेश करते हैं, वही गाओ, वही गोकुल का, वही ठीक श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोकुल। और जब वो गाना शुरू करता हूँ, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, इति सुकुमार है, अति सुकुमार है, इति सुकुमार है, अति सुकुमार है, छम 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 घुंगरू बाजे, छम 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 घुंगरू बाजे, घुंगरू बाजे, मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए, घुंगरू बाजे मोहन नाचे छम छम। भगवान का ये जो कीर्तन है, इसको सुन करके गुरु जी ऐसे खिलखिला के हंस रहे थे, मेरी तो आंखें बंद थी और बस मेरे को गुरु जी सुन रहे हैं इतना ही मेरे दिमाग में था। लेकिन भक्तों ने बोला आ हा गुरु जी को हंसते। तो एक जो मेरे साथ में जो बजा रहे थे, शायद भूपेंद्र जी या कौन थे, उन्होंने देखा कि आंखें बंद की हुई हैं, कीर्तन खत्म हो रहा है, गुरु जी को देख ही नहीं रहा, और गुरु जी भी मेरे को ऐसे बड़े प्यार से देख रहे थे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ठोकर मारी, क्या है ऐसा, मैंने आँख बंद करके बोला तो उधर देख, गुरु जी मुस्करा रहे, गुरु मेरे को देख रहे हैं ऐसे करके बड़े गौर से, टेढ़ा कैसे कीर्तन। मैं हमेशा आंखें बंद करके ही कीर्तन करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो सामने आके देखते हैं, अरे मेरे को अपने ठाकुर जी को सुनाने दो, भगवान की तरफ देखो, जहाँ कुछ गलत बजा देते हैं या वो तो फिर भंग हो जाता है रस, ऐसे टेढ़े होते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी का ये एक भाव देखा, एक गुरु जी का रूप देखा, कि गुरु महाराज जी केवल नाम सारे नाम कर लिए ऐसा नहीं, प्रत्येक नाम के बीच में गुरु जी ने उस लीला का जो दर्शन किया, और उस दर्शन को करके गुरु महाराज जी उस लीला का क्या भाव है, वो भाव को गुरु जी के जीवन में देखा। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, गोपियों को कैसे यशोदा मैया के नंद नंदन के प्रति भाव हो जाता है? अरे भैया तुम क्या जानो, गोपियां तो यशोदा मैया की गोद में सो रहा जो कृष्ण है उसमें भी अपना पूरा रस लेती है। कैसे लेती हैं देख लो, सवेरे सवेरे उलाहना लेके क्यों आती है, उलाहना लेके लेके आती है मैया यशोदा, कहते अभी तो ये सोयो है गोद में ही है, रात भर तो मेरे संग में रहो, तुम कहाँ पे आए गई, पता ये कितना बदमाश है, ये ऐसो बेईमान है, ऐसे मत गारी दे, तोते मैं कह रही हूँ एरी गारी मत दीजो। मैया यशोदा को एक एक गोपी ने बड़ा अजीब सा शब्द कह दिया, माँ को बड़ा दुख लगा। उसके घर में कृष्ण ने वास्तविकता में बहुत उत्पात किया, उत्पात क्या किया, जितने मटके फटके फोड़ने थे फोड़ दिए। उसके बाद जाते जाते उसने उसके बच्चे को चिकोटी काटी, रुलाया, बछड़ों को खोल दिया, गैया दूध बछड़ों को खोल दिया, और जो घर में जो फल मूल जहाँ पड़े थे, जिधर भी पड़े थे, उधर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी, बंदरों ने उत्पात करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा तहस नहस किया कि गोपी ने परेशान होकर के कह दिया, हाय हाय यशोदा या कुत्रते तो अच्छी नपुती रहती, और माता सुनते ही गुस्से में तेरी गारी मत दी, मुगरीब नी को जायो है तेरी गारी, जित जा बिगारो
तुम मोसे आए कहो बीर जित जाओ बिगारो, तुम मोसे आए कहो मैंने कहूँ बात ते तेरी, मैंने कहूँ बात ते नहीं तरसायो है भैया। यशोदा कहती है कि तुम लोग आओ, जिसका जितना बिगाड़ा है सारी आकर के मेरे से कहो, कहो कितना बिगाड़ो और तोल तोल लीजो वीर जित जा बिगाड़े है, गारी मत दीजो, मो गरीब नहीं को जाओ। मैं तो बुढ़ापे में मेरी उम्र बीत रही थी तब मेरे को ये लाल मिला और तुम इसे ही जो है अधिक उम्र के बाद मेरे को ये मिला और उसके बाद में तुम बोलती हो कि ऐसा ना हो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु प्यारे नेक हूं ना हूं जो न्यारे, कान्हे रास पूत मैंने बड़े पुण्य पायो है। ऐसे तो भाव के अंदर माँ यशोदा रो रही है और कुछ लोग भाव तो समझेंगे नहीं, है तो भावों का गुरुदेव के अंदर जो एक प्रसार देखा, अद्भुत देखा, ये एक गुरुदेव की कृपा से उनका संग मिला कि आज हम झूलन यात्रा में यहाँ पे शरीक हैं, सब लोग सम्मिलित होकर के झूलन यात्रा कर रहे हैं। हमारे में से किसी का अधिकार हो सकता ना हो, बिल्कुल भी हो सकता, शांत रस में हो, दास्य में हो, साक्षी में, वात्सल्य में, किसी अन्य में हो, लेकिन ये एक अवसर धाम हमें प्रदान करता है। जब झूलन हो, जब होरी हो, जब जन्माष्टमी हो, तो अलग अलग जो भावों के भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान की विशेष लीला है, तो धाम उसमें हमें कृपा करके अवसर प्रदान करता है सेवा का। तो इस सेवा के अवसर में आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपसे मेरे बहुत से नाते हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा नाता आपको पसंद है, आपको जो नाता अच्छा लगे आप कृपया उस नाते ठाकुर जी का दर्शन करा। हरे कृष्ण हरे